वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए तोरण का डिज़ाइन लाई हूँ, वालेंग का डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए ये सब मैंने सारा सामान, जो सामान हमारे घर में रहता है जो यूज़ नहीं कर सकते उसी सब सामान से मैंने यूज़ किया। ये देखिए भगवान पे चढ़ाया हुआ ये माला है, ये राखियों में यूज़ किया हुआ है। ये देखिए ये राखियों में यूज़ किया हुआ है, इसे आप खुद बना भी सकती हैं। ऐसा चूड़ी आता है जिसको आप नेट के कपड़े में इसको लपेट के बना सकती है। ये टिकिया आता है जिसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकती है। देखिए मैंने ऐसा इस तरह का बॉल यूज़ किया है। आइए देखिए मोती है, तो चलिए आइए हम मैं बताती हूँ कि ये वालेंगिन कैसे बनाया जाए। देखिए ये तो है, इसको हम, ये मेरा इस तरह से है, हम यहाँ से ही इसमें मोती डालेंगे। सबसे पहले हम धागा डाल के इसके बीचों बीच इसको ये कर लिए। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये जो छोटा मोती है इसको हम डालें, फिर ये मैंने बड़ा मोती डाला, फिर छोटा मोती डालेंगे। देखिए पहले मेरे बड़ा मोती, फिर ये छोटा मोती, फिर ये मैंने बड़ा मोती ऐसे डाला, फिर ये छोटा छोटा मोती। फिर ये जो बड़ा मोती है इसको मैंने डाला, ये डाल दिए इस तरह से। अब यहाँ पे भी ये मैंने डाल, अब इसको ये इसमें भी एक फिर मैं बड़ा मोती डालूँ ताकि ये इसे अच्छा से कवर हो सके, नहीं तो छोटा मोती तो इससे पार ही हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये, फिर ये एक बड़ा सा मोती यहाँ डालें। देखिए ये देखने में कितना सुंदर, ये कैप जैसा है, ये माला में से ही निकला हुआ है और इसको हम इस तरह से कैप लगा दिए हैं। ये अब ये देखिए ये मेरे पास लोहा का रिंग है, अब इस रिंग को इसमें हम टाइट कर देते हैं ताकि हम इसको दीवार में जैसे इसको हैंग करें तो उस तरह हैंग हो जाए, तो इसको हम बांध देते हैं। देखिए इस धागे को मैंने तो काट लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा ये तो रेशम धागा है, इसको हम माचिस ये जला के थोड़ा सा ये रेशम धागा है थोड़ा सा ये कर देने से ये देखें चिपक जाए। देखिए तो ये मेरा ऐसा वालंग तैयार। इस तरह से आप ये वॉल हैंगिंग तैयार। इसके जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने तो ये यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये तोरण कैसे बनाए, इन मोतियों से मैं तोरण बना के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि ये तोरण कैसे बनाए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलती हूँ। ओके बाय।